ये देख रहे होंगे यहाँ पे पिलरिंग का काम चल रहा है ये, और ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर कहलाया जाएगा। नदी के साथ साथ ही आगे जाके टर्न होता रहेगा और देहरादून में एंटर कर जाएगा यहाँ। ये मच अवेटेड एक्सप्रेस वे है दिल्ली वालों के लिए, जो देहरादून तक की जर्नी आपको सिर्फ 2 से 2.5 घंटे की बना। दोस्तों मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। टाइम हुआ है सुबह के 7:07 और इस टाइम मैं खड़ा हूं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, क्योंकि मैं निकल चुका हूं देहरादून जाने के लिए। और देहरादून जाने के लिए मैं रूट लेने वाला हूं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे खतौली, खतौली के बाद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद देवबंद वाला एक्सप्रेस वे, फिर उसके बाद देहरादून। और बीच में रास्ते में जो नया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है, अगर वो मुझे कैप्चर करने के लिए दिख जाता है उसका क्या कंस्ट्रक्शन का अपडेट है, वो मैं आपको इस वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। ये जो ट्रिप होने वाली है लगभग 4 दिन की होने वाली है और ट्रिप में बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही फन ट्रिप होने वाली है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं देहरादून को। तो अभी मैं गाड़ी से नीचे उतरता हूँ और आपको दिखाता हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे सुबह के 7:07 पे कैसा दिखाई देता है। तो भाई लोगों, उतर चुका हूँ गाड़ी से नीचे और खड़ा हुआ हूँ अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे खेत ही खेत है, खेत ही खेत, चारों तरफ खेत ही खेत नजर आएंगे और इस तरफ गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आ रही है। और आप सब लोगों को टाइम फिर से बता देता हूँ 7:09, बैटरी खत्म होने वाली है मेरी स्मार्ट वॉच की। चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रिप को और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अपनी देहरादून तक की जर्नी। बहुत सारी जगहों को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ और ट्रिप को पूरा एंजॉय करिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। दोस्तों अभी अभी मैंने क्रॉस किया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का टोल, और टोल के चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ 155 रुपये कटते हैं अगर आप अक्षरधाम से इस पे चढ़ते हैं। तो मैं आ चुका हूँ मेरठ हरिद्वार वाले हाईवे पे, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की भी एक मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ नेशनल हाईवे 58 पे जो जाता है सीधे हरिद्वार तक के लिए, और नेशनल हाईवे 58 जो ख़त्म हो जाता है वो मुजफ्फरनगर पे ख़त्म हो जाता है। तो सामने मैं देख रहा हूँ आ गया जर्नी का दूसरा टोल, और इस टोल का जो टोल है वो लगभग 110 रुपये है। ये आ गया है दूसरा टोल, और इस टोल में मैंने आपको बताया 110 रुपये का टोल टैक्स है, और भाई नॉर्मली यहाँ पे इतना जाम तो रहता ही है। भाई बोलेरो वाले भाई ने एक बड़ी बढ़िया सी बात लिखी हुई है, नीचे आपको दिखाई दे रही होगी, नशे की हालत में वाहन ना चलाएं। टाइम हो गया है 8:45 और अभी मैं चल रहा हूँ नेशनल हाईवे 58 पे जो मुजफ्फरनगर तक ही नेशनल हाईवे 58 रहता है। आगे एक लेफ्ट टर्न आएगा जो देवबंद के लिए जाता है, आगे जाके इधर से इसका नेशनल हाईवे नंबर भी चेंज हो जाता है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि नेशनल हाईवे कौन सा हो जाता है वो। और जो देवबंद वाला हाईवे है उस पर भी 2 टोल पड़ते हैं, कितना टोल टैक्स होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। लोगों यही एक लेफ्ट टर्न है, ये जो सीधा चला जाता है ये हरिद्वार के लिए चला जाता है, और ये वाला जो कट आ गया है ये सहारनपुर देवबंद देहरादून, इधर से आपको रुड़की हरिद्वार स्किप हो जाएगा। आगे आपको बोर्ड भी नजर आ रहा होगा सहारनपुर 56 और देहरादून 111 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। दोस्तों यहाँ से हमको राइट लेना है, आप लोग देख के चले क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो मैं चल रहा हूँ, सहारनपुर रोड कहलाती है और स्टेट हाईवे ये कहलाता है 59 का, यही स्टेट हाईवे आगे जाके नेशनल हाईवे पे मर्ज हो जाता है। सामने आ गया है स्टेट हाईवे का टोल प्लाजा, और ये एक स्टेट हाईवे टोल प्लाजा है इसलिए यहाँ पे कैश में पेमेंट की जाती है, यहाँ पे फास्टैग नहीं चलता है, और सिंगल जर्नी के लिए यहाँ पे 165 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा इस टोल प्लाजा पे आपको एक टिकट मिलेगी, जो टिकट वैलिड होगी नेक्स्ट टोल प्लाजा पे जो कोलकी टोल प्लाजा है वहां तक के लिए मान्य है। तो भाई सामने चल रही है बैज, लड़ाई वड़ाई हो गई है तो इस लेन से निकल के दूसरी लेन में लगा रहे हैं भाई गाड़ी, ये नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा तो है नहीं भाई कि तुरंत तुरंत लेन क्लियर कर दे, अब दूसरी लेन में आ गए हैं। तो इस टाइप की टोल की पर्ची मिल जाएगी आपको जो आपको वैलिड होगी नेक्स्ट टोल प्लाजा तक की,
और जो नेक्स्ट टोल प्लाजा होगा वहाँ पे आपको ये पर्ची दिखानी होगी। 165 रुपए का इसमें टोल लगा हुआ है। ये 165 रुपए का टोल आपको नेक्स्ट टोल प्लाजा तक वैलिड रहेगा। नेक्स्ट टोल प्लाजा पे आपको कोई टोल टैक्स नहीं देना है। और एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे स्पीड लिमिट जो होगी कार्स के लिए 100 की स्पीड लिमिट है और बसेस और ट्रक के लिए 80 की स्पीड लिमिट है। अभी जो मैं चल रहा हूँ वो देवबंद के फ्लाईओवर पे चल रहा हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को देख लोगे, ये देवबंद है पूरा। और ये फ्लाईओवर बनने के बाद से यहाँ पे आपको अंदर सिटी में नहीं जाना पड़ता, ऊपर ही ऊपर आप निकल जाते हो। और ये फ्लाईओवर लगभग होगा 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा। तो इस पॉइंट से देहरादून रह जाता है 87 किलोमीटर। टाइम हो गया 9:45 और अभी भी स्टेट हाईवे 59 पर ही हूँ मैं, जो सहारनपुर जाता है यहाँ से। तो भाई सुबह से ही चल रहे थे तो कोई भी ब्रेक नहीं लिया था, कोई पिट स्टॉप भी नहीं लिया था, तो थक गए थे बैठे बैठे। तो एक चाय पियेंगे और आलू प्याज का एक पराठा खाएंगे। दिखाता हूँ आपको कौन से ढाबे पर बैठा हूँ मैं। तो भाई ये है पंजाबी ढाबा। आलू प्याज के पराठे, एक चाय, एक ठंडे की बोतल, पूरा 180 रुपए। लेकिन जो पराठा था वो ऐसे ही था, थोड़ा नमक ज्यादा हो गया था उसमें। बैक टू स्टेट हाईवे, जर्नी कंटिन्यू करते हैं और 1 किलोमीटर पे टोल प्लाजा आ जाएगा। दूसरा टोल आ चुका है और जो पहले वाले टोल पे ये पर्ची ली थी, ये पर्ची इधर शो करनी पड़ेगी और आपको कोई टोल इधर नहीं देना है। आगे वीडियो में तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन टोल नजदीक आ गया है, 0.5 किलोमीटर पे है यहाँ से। भाई आपको इस तरीके से ही बस यहाँ पे पर्ची दिखानी है जो आपको पहले वाले टोल प्लाजा पे मिली हुई होगी और आगे बढ़ चलेंगे आप। आगे से यू टर्न लेने के बाद मैं आ गया हूँ इस नेशनल हाईवे 307 पे। और ये नेशनल हाईवे 307 पीछे से आ रहा है चंडीगढ़ से, और यही हाईवे आगे आपको देहरादून तक मिलेगा, नेशनल हाईवे नंबर 307। भाई नेशनल हाईवे 344 पे आपको स्पीड लिमिट मिलेगी कार्स के लिए 80 की और ट्रक्स के लिए 60 की। भाई पेट्रोल बिल्कुल खाली हो गया है और आगे एक पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है, भारत पेट्रोलियम का। चलो रिफिल कराते हैं। तो भाई आ गए पेट्रोल पंप पे और डलवाते हैं पेट्रोल। भाई यहाँ पे चल रहा है 97.45 और फुल करा रहे हैं पेट्रोल। भाई फुल करा लिया है, 3700 रुपये का पेट्रोल डला है, 37.97 लीटर। आ गया एक और टोल प्लाजा और यहाँ पे सिंगल ट्रिप के आपको देने पड़ेंगे 45 रुपीज़। तो दोस्तों इस हाईवे पे भी आपको बहुत सारे ढाबे देखने को मिल जाएंगे। एक और ये ढाबा है मन्नत ढाबा। तो इस पॉइंट से देहरादून रह गया 31 और मसूरी 63 और यहाँ से आप बद्रीनाथ भी जा सकते हैं, 360 किलोमीटर दूर है। तो भाई ये जो पॉइंट आप देख रहे होंगे ना, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का यहाँ पे काम चल रहा है और ये इधर देहरादून की तरफ चला जाता है। भाई लास्ट शॉट में जो आपने देखा होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, वो राइट को टर्न हो गया है। वो राइट को टर्न एक एलिवेटेड सेक्शन होगा जो राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से जाएगा और एलिफेंट्स और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार होगा जिनसे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है इजीली मूव आउट कर सके। एंटर कर चुका हूँ मैं उत्तराखंड में। पहले ही उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर लगा था और मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ वो जहाँ पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे तैयार हो रहा है, ग्रीन कॉरिडोर तैयार हो रहा है, नदी के ऊपर से जाएगा ताकि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को कोई परेशानी ना हो सके और इजीली मूव कर सके वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। उनका खास तौर पे ध्यान रखा गया है। ये देख रहे होगे यहाँ पे पिलरिंग का काम चल रहा है ये, और ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर कहलाया जाएगा, यही आगे तक चला जाएगा इधर नदी के रास्ते। तो दोस्तों ये जो कॉरिडोर होगा ये लगभग 19.5 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें दो ट्यूब टनल होंगी लगभग 4.5 किलोमीटर की।
थोड़ी दूर और आगे जाने पर आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे पिलरिंग का काम पूरा हो गया है और हाफ पिलर अभी बन के तैयार हुए हैं और ये नदी के साथ साथ ही आगे जाके टर्न होता रहेगा और देहरादून में एंटर कर जाएगा यहाँ। और आपको जूम करके आगे और दिखाता हूँ मैं, हाफ पिलरिंग का काम यहाँ पे पूरा हो गया है। तो पिछले वाले शॉट में आपने देखा होगा मैंने नदी के ऊपर आपको दिखाया था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हाफ पिलरिंग वहाँ पे कर दी गई है और थोड़ा सा 500 मीटर आगे आने पे मुझे और डेवलपमेंट दिखाई दिया तो मैं इस वीडियो में आपको शेयर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरी पिलरिंग कर दी गई है, गर्डर्स भी रख दिए गए हैं, आर्म एक्सटेंशन भी हो गई है और ऊपर गर्डर रखे जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए काम बहुत तेजी से चल रहा है क्योंकि डेडलाइन बहुत नज़दीक आ गई है इस एक्सप्रेस वे को चालू करने के लिए। ये मच अवेटेड एक्सप्रेस वे है दिल्ली वालों के लिए जो देहरादून तक की जर्नी आपको सिर्फ 2 से 2.5 घंटे की बना देगा। वीडियो में आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे भी आर्म एक्सटेंशन हो चुकी है, ऊपर गर्डर रखे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर होने वाला है। भाई आप ये देख रहे होंगे ना ये पूरा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है यहाँ पे और ये पूरा एलिवेटेड सेक्शन होने वाला है। और आगे तक ये देखिए देहरादून जाते हुए आपको ये ट्यूब, छोटी सी ट्यूब टनल पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे एक अंडर पास भी ये तैयार कर दिया गया है। तो भाई देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉशियस वर्क इन प्रोग्रेस ड्राइव स्लोली। तो भाई ये सारा का सारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। यहाँ पे छोटा सा अंडर पास है, ये पता नहीं किसके लिए है। यहाँ पे जो है पिलरिंग का काम खत्म हो गया है, इनकी आर्म्स भी निकाल दी गई हैं और नीचे गर्डर्स पड़े हुए हैं जो ऊपर रख दिए जाएंगे हैवी मशीनरी की सहायता से। और यहाँ पे ये देखिए ये अंडर पास बनाया जा रहा है, ये सारा वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए बनाए गए हैं सारे अंडर पास। लोग वाइल्ड एनिमल ऊपर पहले से ही बैठे हुए हैं, ऊपर देख रहे हो कि बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं, कतई सारे बंदर बैठ गए भाई ऊपर जाके, कह रहे सबसे पहले हम ही यूज करेंगे इसे। तो भाई एक्सप्रेस वे का काम जो है बस मुझे यहीं तक नजर आ रहा है, इसके आगे मुझे कोई पॉइंट नहीं मिल रहा जहां काम चल रहा होगा। और अगर आगे कहीं मिलता है तो मैं वीडियो में जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। ये आ गया है उत्तराखंड में, आपका हार्दिक स्वागत है, कैमराज लगे हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपको देहरादून ट्रिप की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अभी मैं आ चुका हूँ मेरठ हरिद्वार वाले हाईवे पे और इसका नंबर क्या है,